हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डार्क मोड शेड्यूल है तो डार्क मोड शेड्यूल को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। जो हमारे फ़ोन में लाइट मोड शेड्यूल है तो लाइट मोड शेड्यूल को आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो सिंपल आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना लाइट मोड। तो शायद ऑप्शन नहीं आया, सिंपल आपको डिस्प्ले ऑप्शन सर्च कर लेना है। सर्च करते डिस्प्ले ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो जो हमारे फ़ोन में डार्क मोड शेड्यूल है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करते तो यहाँ से शेड्यूल हमारा शो हो जाता है। जैसे सनसेट एंड सनराइज शेड्यूल को भी आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। लोकेशन ऑन करते तो यहाँ से लोकेशन के हिसाब से शेड्यूल सेट हो जाता है। इस तरीके से आप लाइट शेड्यूल को सेट कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से, या डार्क शेड्यूल सेट करना चाहते हैं टाइमिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डार्क मोड शेड्यूल को सेट कर सकते हैं अपने सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर भी डार्क मोड शेड्यूल को सेट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में डार्क मोड शेड्यूल है तो डार्क मोड शेड्यूल को सेट कैसे करेंगे, सिंपली आपको जाना है डिस्प्ले सेटिंग्स पे। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शेड्यूल का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डार्क मोड शेड्यूल को सेट कर सकते हैं अपने तरीके से। सनसेट एंड सनराइज शेड्यूल सेट करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से लाइट शेड्यूल सेट कर सकते हैं और डार्क शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।